Hello friends, welcome to Bushra's Kitchen Adventure. Today I'm going to make my first cooking video in which I'll be making chicken chilli gravy. So chicken chilli gravy banane ke liye hame jo ingredients lagenge wo hai chicken, boneless chicken 250 to 300 grams cut into small pieces. Hame lagenga ginger garlic paste, ek anda, 2 tablespoon flour, 2 tablespoon, 1 tablespoon vinegar, 2 tablespoon soya sauce, 2 tablespoon cornflour, pinch of Ajinomoto, salt to taste, pepper. Veggies mein hume chahiye capsicum, 1 medium capsicum cut into a cubes, 1 onion peeled and cut, 3 to 4 garlic, and 3 to 4 green chilli. We'll also need oil for frying. So start karte hain hum chicken ke marination se. Uske liye hume lagenga adrak lahsun ka paste jo hai 1 tablespoon. 1 tablespoon of ginger garlic paste. Ek phita hua anda. Salt to taste and black pepper to taste. इसे हम कर देंगे बहुत अच्छे से mix. अभी इसे marinate करके हमें रखना है for around 15 to 20 minutes. Mix well. So अभी 20 minutes के बाद हम इसमें डालेंगे flour. जो के ली थी मैंने 2 tablespoon of flour. अभी हो जाएगा इसमें अच्छे से और फिर इसे भी हम करेंगे mix. सी ये हो गया अच्छे से mix. तो अभी हम मैरिनेटेड चिकन को करेंगे फ्राई, जिसके लिए हमें लगेगा 1 कप ऑयल जो हमने पैन में डाला है. इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, नॉट डीप फ्राई. हमारा तेल गरम हो चुका है, अभी हम फ्लेम को लो करते हैं गैस की और चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं. वन बाय वन वी ऐड चिकन पीसेस इनटू ऑयल. हम चिकन को पूरे एक ही बैच में फ्राई नहीं करेंगे, दो बैच करके फ्राई करेंगे आराम आराम से. Be careful while frying, कि ये थोड़ा सा उलटा है, तो ध्यान रखिए. टर्न कर रहा हूँ. चिकन एक साइड से होने के बाद मैंने इसके साइड चेंज कर दी है, ऐसे करके आप भी चेंज कर सकते. ये चिकन फ्राई होके रेडी हो गई है, इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे. अभी चिकन के सेकेंड सेट को फ्राई करने की टाइम है. सो अगेन वन बाय वन आराम से सेकेंड सेट भी फ्राई कर लेते हैं. मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से भी पक जाए और बाहर से क्रिस्प रहे. फ्राई होने के बाद चिकन पे ऐसा गोल्डन कलर आना चाहिए, तब आप उसे निकाल सकते हो. एक साइड पे 2 से 3 मिनट तक का कुक करके साइड चेंज करनी है. तो ये हमारा चिकन कर, हमारा सेकेंड बैच ऑफ चिकन भी रेडी हो गया है फ्राई होके. अगर आप चिकन के इतने बड़े फैन नहीं हैं तो आप चिकन को पनीर से रिप्लेस कर सकते हैं. हमारी चिकन रेडी हो गई है, अभी हम बनाएंगे चिली की ग्रेवी, जिसके लिए मैंने ली हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल. मैंने वही ऑयल यूज़ करी हूँ जिससे मैंने चिकन को फ्राई किया है. जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है उसमें हमें डालना है
गार्लिक, ग्रीन चिलीज और 2 मिनट के लिए सॉटे करना है अच्छे से। ये हमारे चिली और गार्लिक हो गए हैं सॉटे। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस जो है 2 टेबलस्पून और हम इसमें डालेंगे फिर इसमें जाएगा वेनेगर जो है 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे ऑनियंस, कैप्सिकम। अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। जैसे ही ये सॉटे होने लगेगा इसमें से आपको चिली की एक बहुत ही टेस्टी यमी खुशबू आने लगेगी। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा चिकन। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 कप जितना पानी ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। पानी डालने के बाद इसमें हम बॉईल आने देंगे, फिर एंड में जाएगा कॉर्नफ्लावर। बॉईल आना शुरू हो गया है ग्रेवी में, अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ऐसे तो मैंने कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून बताई थी, लेकिन ग्रेवी जितना आपको थिक करनी है उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर को पानी में डाइल्यूट करके डालें। अब देखेंगे कि ग्रेवी अभी थिक होने लगी है। जैसे ही ग्रेवी थिक होती है जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से थिक होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और आपकी चिकन चिली ग्रेवी इज रेडी। मैंने इस ग्रेवी में अजीनोमोटो ऐड नहीं किया है। अगर आपको अजीनोमोटो ऐड करना है तो आप इसमें अजीनोमोटो भी 1 पिंच ऐड कर सकते हैं। हमारी यम्मी सी चिली रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चिकन चिली ग्रेवी इज रेडी टू सर्व। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीड योर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।